हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक टिप्स आफ्ताब। फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूँ आप लोग का सामने एक नया आईपीएन सेटिंग लेके, जिसे यूज़ करने के बाद आप लोग का इंटरनेट का स्पीड बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। यदि आप गेम्स खेलते हो जैसे कि पबजी या फ्री फायर, तो आप लोग का पिंग भी कंट्रोल में रहेगा। और जैसे कि आईपीएल लाइव स्टार्ट हो चुका है, तो फ्रेंड्स यदि आप लोग आईपीएल लाइव देखते हो तो कभी कभी बफरिंग होता है, तो ये सब भी कंट्रोल में रहेगा। आप लोग का बफरिंग नहीं होगा, हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग में, फिर यहाँ से वायरलेस नेटवर्क में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं यहाँ से, फिर आपको अपना मोबाइल नेटवर्क में क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ से कुछ ऐसा ओपन होकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका एक्सेस पॉइंट नेम में क्लिक करना होगा, एपीएन में। क्लिक करते हैं यहाँ से कुछ ऐसा ओपन होकर आ जाएगा। फिर आपको जाना होगा थ्री डॉट में। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर न्यू एपीएन में क्लिक करना होगा। फिर यहाँ से आपका कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा, आपको नेम में क्लिक करना होगा। फिर यहाँ से लिखना होगा वीआई स्पेस टर्बो, फिर स्पेस देना होगा, फिर लिखना होगा नेट। वीआई का आपको वी कैपिटल लेटर, फिर स्पेस देना है। फिर टर्बो का आपका टी कैपिटल लेटर, फिर स्पेस देना है। फिर नेट का आपको एन कैपिटल लेटर, फिर ओके कर देना है। फिर आपको आना होगा अपना एपीएन में। एपीएन में हम क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको लिखना होगा सारा स्मॉल लेटर में इंटरनेट, आई एन टी ई आर एन ई टी, इतना ही लिखना है आपको। फिर यहाँ से इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको आना होगा प्रॉक्सी, इसे आपको नॉट सेट ही रहने देना है। फिर आपको आना होगा पोर्ट, पोर्ट को भी आपको नॉट सेट ही रहने देना है। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा यूज़र नेम में। यूज़र नेम में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लिखना होगा स्पीड, स्पीड का आपको एस कैपिटल लेटर देना है, बाकी सारा स्मॉल लेटर। फिर आपको लिखना होगा डॉट, फिर लिखना होगा टर्बो, टर्बो का आपका टी कैपिटल लेटर, बाकी सारा स्मॉल लेटर। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख के ओके कर देना। ओके करने के बाद फिर आपको आ जाना होगा पासवर्ड में, पासवर्ड को आपको नॉट सेट ही रहने देना है। फिर आपको क्लिक करना होगा सर्वर में, सर्वर में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लिखना होगा www.google.com google.com। फिर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद फिर आपको आना होगा MMSC, इसे आपको नॉट सेट रहने देना है। फिर आपको आना होगा MMS प्रॉक्सी, इसे आपको भी नॉट सेट रहने देना है। फिर आना होगा MMS पोर्ट, इसे भी नॉट सेट ही रहने देना है। और MCC MNC को कुछ नहीं करना है, जैसा वैसे ही रहने देना। फिर आपको क्लिक करना होगा ऑथेंटिकेशन टाइप, फिर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा PAP और CHAP। फिर आपको आना होगा APN टाइप में, फिर यहाँ से आपको लिखना होगा डिफॉल्ट सारा स्मॉल लेटर में, फिर देना होगा कोमा SUPL, सारा एक साथ लिखना है। फिर इसे भी आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको आ जाना होगा अपना APN प्रोटोकॉल में। फिर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा IPv4/IPv6। फिर यहाँ से आना होगा आपको APN रोमिंग प्रोटोकॉल में, यहाँ से भी आपको सिलेक्ट करना होगा IPv4/IPv6। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको आना होगा इंपॉर्टेंट सेटिंग है बियरर, तो बियरर में हम क्लिक करते हैं। यहाँ से आपका होगा अनस्पेसिफाइड, तो इसे हमें अनटिक करना होगा। अनटिक करने के बाद यहाँ से आपको LTE को ही सिलेक्ट करना है और बाकी को कुछ नहीं करना है, जितना सारा ऑप्शन है कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ से ओके कर देना है। फिर अभी हम अपना APN को सेव कर लेते हैं। फिर न्यू APN में आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना होगा, एक बार अपना मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अभी आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ओकला का स्पीड टेस्ट यूज़ करूँगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे VI इंडिया आ चुका है हम लोग का, तो अभी हमें गो में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारा APN कनेक्टेड हो चुका है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं 4 MBPS तक चला गया फ्रेंड्स, 6 MBPS, 6.67 MBPS, मतलब 6.97 MBPS ये था डाउनलोड स्पीड। अपलोडिंग स्पीड फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कितना हाई स्पीड हमें मिल रहा है, 23 MBPS। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं अच्छा स्पीड हमें मिल रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक कर दे, यदि आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।